समय पहले हमें सूचना मिली थी भी दो लड़के, दोनों सगे भाई हैं, प्रशांत और साकेत, ये दोनों, ये बवाना गांव में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, बजाना गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहां से यहां अपने ताऊ जी के पास आए थे। उसके ताऊ जी जिला जेल करनाल में नौकरी करते हैं, तो ये दिवाली मनाने के लिए यहां पर आए थे जी। तो ये उसके ताऊ के लड़के की एकेडमी है काछवा रोड पे, तो ये वहाँ अपनी गाड़ी लेगा, वहाँ मिलने चले गए, लेकिन रास्ते में जो ये अपना भाखड़ा नहर के पुंडरक के पास जो पुल है, इनकी गाड़ी अपना बैलेंस बिगड़ के और उस डिवाइडर में जा लगी और दोनों की मौके पे मृत्यु। कार्रवाई तो अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा है और अचानक बैलेंस बिगड़ने के ही कारण गाड़ी संतुलन खो गई और दोनों उसमें डिवाइडर में टकरा गए। कार्रवाई तो 194 भी NSS की करने लग रहे हैं। क्या नाम था, कितनी उम्र थी, क्या था? ये एक तो प्रशांत था जिसकी उम्र 21 साल है, एक साकेत है जिसकी उम्र 17 साल है, ये दोनों सगे भाई हैं, पढ़ाई कर रहे थे, ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तो आज पोस्टमार्टम और अभी बस कागज तैयार कर दिए, बस पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। सोनीपत का बिजाना गाँव है और ये मिलने के लिए आए थे यहाँ दिवाली मनाने के लिए करनाल, तो अचानक ये हादसा हो गया गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के कारण। तो मैं तो देखो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाड़ी आराम से चलाएं। बता रहे कि बहुत ज़्यादा स्पीड में, हाँ गाड़ी स्पीड में थी इसलिए बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी स्पीड में थी, दोनों की मौत हो गई। हाँ दोनों की मृत्यु हो गई, एक मौके पे हो गया था, एक हॉस्पिटल। अब सब परिजनों को देकर अपना कार्रवाई नहीं करें। बेहद ही दुखद खबर है। सुबह हमने आपको एक्सीडेंट दिखाया था जो कि 10 से 12 बजे के बीच हुआ था। उस हादसे में दो व्यक्ति घायल थे, दो युवक घायल थे। बताया जा रहा है कि दोनों की हॉस्पिटल ले जाते हुए मौत हो गई थी। और आपको बता दूं कि तेज रफ्तार में गाड़ी थी, दोनों सगे भाई थे, बड़ी घटना है। दोनों सगे भाई थे जो कि सोनीपत के बजाना गाँव के रहने वाले थे और उनकी करनाल में उनके ताऊ बताए जा रहे हैं, उनके ताऊ ड्यूटी पर हैं और ये बताया जा रहा है कि जिला कारागार में वो ड्यूटी पर पुलिस में तैनात है और उनके ताऊ के लड़के की एकेडमी है काछुआ गांव में, वो सोनीपत से के बजाना गांव से अपने ताऊ के पास आते हैं दिवाली मनाने के लिए। उसके बाद ताऊ के पास से गाड़ी लेते हैं, वो काछुआ जा रहे थे अपने ताऊ के लड़के के पास एकेडमी में। तभी जैसे ही वो करनाल पार करते हैं, वहाँ पर एक पुल है लोहे का और वहाँ पर जाकर उनकी गाड़ी टकरा जाती है। मोड़ था, तेज रफ्तार गाड़ी थी और गाड़ी आपने देखा किस हालत में थी, उनकी गाड़ी टकरा जाती है, दोनों सगे भाइयों की मौत हो जाती है। घर में मातम पसर चुका है, दोनों सगे भाइयों की दिवाली से पहले इस तरह से मौत हो गई है। हमारी आप सभी से अपील, आप यातायात नियमों का पालन कर ही अपनी गाड़ी दौड़ाएं सड़कों पर, क्योंकि लगातार हादसों का दौर जारी है, लगातार हादसे करनाल में देखने को मिल रहे हैं। लगातार किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में किस तरह से लोगों की जान जा रही है और त्योहारों का दिन है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा, मैं हूँ आपके साथ मिलन।